जीएसएस के कर्ता धरता ही डकार गए करोड़ों। दौसा के नांगल बैरसी सहकारी समिति का है मामला, दो दो बार हुई जांच में जिम्मेदार ठहराए गए, हो रहे हैं भूमिगत। कहावत है कि जब बाढ़ ही खेत को खाए तो फिर खेत का कोई भी धनी धोरी नहीं है। ये जब है तब सरकार ने किसान वर्ग की सहायता और उत्थान के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सरकारी समितियां खोली हैं और यहां पर किसान के खून पसीने की कमाई पर ये लोग डाका डाल अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, जिसके चलते अब यही भ्रष्टाचार और गबन के बड़े केंद्र बनते जा रहे हैं। मामला दौसा जिले की नांगल बैरसी ग्राम सेवा सहकारी समिति का है, जहां विभिन्न तरह की गड़बड़ियों में लगभग 5 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। जानकारी के अनुसार यहां अल्पकालीन ऋण की वसूली का रिकॉर्ड नहीं मिला। इतना ही नहीं, लोन के नाम पर ना कोई लेने वाला ना कोई देने वाला, फिर भी कागजों में 58 लाख के बोगस लोन बांट दिए। 70 लाख म्यादी खातों में व 72 लाख का फर्क लेनदारी में पकड़ में आया है। मामलों की पड़ताल में मालूम हुआ कि यहां के द्वारा क्रय विक्रय समिति के नाम दिए गए 10 लाख के चेक भी बाउंस हुए हैं, जिनका समिति में कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं भी हुआ। यहाँ की तानाशाही के चलते पिछले 2 वर्ष से ऑडिट ही नहीं हुई, जबकि धड़ाधड़ लोन देने के नाम पर पैसे का दुरुपयोग किया गया है। मामला की जांच में पता चलता है कि यह सब कुछ ग्राम सेवा सहकारी समिति के बस में नहीं, बल्कि एमडी लेवल तक की चैन इसमें मिली नजर आती है, क्योंकि यहाँ के व्यवस्थापक का चार्ज पिछले 6 महीने में 2 बार पलटा गया है, जिसमें भारी धांधली और मिलीगत की बू आ रही है। इस मामले में जब पिछले दिनों मीटिंग बुलाई गई तो उसमें घोटाले का और सत्यापन होने पर जिम्मेदारी भी तय की जा रही है बताई है, लेकिन अब हालात यह है कि जिम्मेदार अध्यक्ष रामस्वरूप सेन और तत्कालीन व्यवस्थापक कैलाश चंद्र शर्मा भूमिगत होकर मामले को अपने परिजनों का आगे कर सेट कराने में लगे हुए हैं। इस मामले में एमडी राजेंद्र प्रसाद मीना और उर्फ उनकी होनों ने अध्यक्ष को व्यवस्थापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। इस प्रकरण में दोनों जिम्मेदारों की तरफ से ये येन केन प्रकारेन एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अपने आप को सफेदफाश साबित किया जा सके, वही दूसरी ओर दौसा कार्यालय द्वारा धारा 55 की जांच में बाद अब धारा 57 के तहत कार्रवाई किए जाने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। नांगल बैरसी जीएसएस में गड़बड़ी सामने आई है, आपका क्या कहना है? नांगल बैरसी जीएसएस का अभी हमारे ऑफिस में 17-18 तक की रिपोर्ट जमा हो चुकी है, उस रिपोर्ट में अभी तक ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया है। और ये रिपोर्ट बैंक द्वारा जांच की गई थी और बैंक द्वारा 55 की जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास उपलब्ध भी नहीं है, डीआर ऑफिस में उपलब्ध है, और इस संबंध में विस्तृत रूप से बैंक एमडी बैंक और डीआर साहब बता सकते हैं। मेरा काम केवल ऑडिट करने का, मेरे पास नांगल बैरसी की 17-18 की रिपोर्ट प्राप्त हुई। सहकारी समितियों की जो ऑडिट कब कब होती है? सहकारी समितियों की ऑडिट वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद होती है, जो कि अभी 18-19 और 19-20 की दो ऑडिट है, जो विभाग द्वारा अभी अलॉटमेंट कर दिया गया है गए वीक में, तभी ऑडिट कार्य अभी शुरू हो जाएगा इस वीक में। ऑडिट कार्य शुरू होने के बाद जो तथ्य आएंगे रिपोर्ट में, वो रिपोर्ट में सामने। ऑडिट कराना सहकारी समिति की मनमर्जी पे चलता है या आपके द्वारा? ऑडिट कराना सहकारी समिति की जिम्मेदारी है, और इस 19-20 ऑडिट 19-20 के लिए विभाग द्वारा समस्त जिले की सहकारी समिति ऑडिट विभाग द्वारा करवाई जा रही है, बाकी समितियों की जिम्मेदारी है ऑडिट करवाना। ताराचंद मेरा स्पेशल ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटी दोस्त। आपने वो जो नांगल जीएसएस की जांच करी थी उसमें क्या मामला था, कुछ बताओ साहब। आप किए तो है ना आपने जांच उसकी? आपने इसकी जांच करी, कुछ तो बोलो साहब।
भाई आपने जितनी भी जांच करी, आप उसमें जितना सहयोगी थे, मुख्य जांचकर्ता थे, क्या रहा उसका रिजल्ट? आपकी जो सहकारी समिति है उसमें गड़बड़ियाँ उजागर हुई है, आप क्या कहना चाहते हो उसमें? गड़बड़ियाँ उजागर हुई है, आज 3 जुलाई को, तो इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने चार्ज लिया था उससे पहले का जब लेखा जो कहा लक्ष्मी नारायण जी और कैलाश जी के हैंड ओवर था, इससे मेरे इससे इस मामले में कुछ नहीं कहना सकता कि मेरे समय में कुछ हुआ नहीं, जो जो भी है उनके खिलाफ ही होना हुआ है, नाम भी उनका आया है और जो भी होगा आगे भविष्य में हम देखेंगे, निगरानी क्षेत्र काम करेंगे यहाँ पे देख के। ये गड़बड़ी पहले की है? हाँ पहले की गड़बड़ी है। आप कब से हो यहाँ पर? मैं हूँ 2 अप्रैल मई से। कितने से? 2 मई। 2 मई से मैंने चार्ज के लिए दो तीन बार हेड ऑफिस के अंदर भी एप्लीकेशन दे दी, भाई मेरे को अभी तक कोई चार्ज नहीं दिया गया है। तो इस बीच अब आप कोई लोन देने का इस तरह कार्यवाही नहीं कर रहे अभी तक? नहीं, अभी तक आगे से आदेश नहीं आया लोन देने का इनका, जब तक ऑडिट रिपोर्ट आएगी नहीं इनकी, यहाँ की 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट थी, 1 साल की तो आ गई, 2 साल की बाकी है, आगे जो कागज हमने गवर्नमेंट के हेड ऑफिस के अंदर वो कर दिया, वो टिकिंग करके और फिर हमको आदेश देंगे भाई लोन प्रक्रिया स्टार्ट करो तो हम स्टार्ट कर देंगे। अभी तक आपने कोई कार्रवाई अपने पद के अनुसार नहीं चालू की यहाँ पर? जब तो कोई आदेश नहीं है हमारे पास तो हम कैसे चालू कर सकते हैं यहाँ पे? ये मामला जो गड़बड़ी का है आपसे पहले का है? हाँ पहले का है। आपका इसमें कोई लेन देन? अपना कोई लेना देना नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? शिवचरण मीणा। मैनेजर हो आप? हाँ। जीएसएस नांगलबैरसी? जीएसएस नांगलबैरसी। नांगलबैरसी जीएसएस में गड़बड़ियाँ हैं, आपने जांच की है, क्या मामला है? कितना गबन है उसमें? 4.90 करोड़। इसमें कौन जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार माना आपने? क्या नाम है? कैलाश सिंह था, पर्यवेक्षक था लक्ष्मी नारायण। चेयरमैन भी था। उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? हम तो क्या कार्रवाई करके जांच करके दे दी, अधिकारी ने जो जांच हमने भी की लगाया था अधिकारी को जांच करके दे दी। किन को? कौन से अधिकारी को? एनडी सीसीबी कोऑपरेटिव है, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, चार्जशीट दे दी, ये कार्रवाई। मतलब आपने सिर्फ जांच करके अपना काम किया? अपना घरों पर जाँच ही दी थी। इसमें कोई FIR वगैरह हुई है किसी के खिलाफ? ये तो होता है एमडी होता है। मूल रूप से आपने इसको गबन का जो तरीका माना वो क्या माना आपने? देख लोगों की जो एफडी है ना, ये मैच्योर हो चुकी, उनको मैच्योरिटी पे रिटर्न नहीं हुआ जी, नहीं हुआ तो गबन ही है। कैसे नहीं आ गया? मतलब लोगों का पैसा दिया नहीं? दिया नहीं। अकाउंट में उनको देना बता दिया? अकाउंट में उसको देना बता दिया, उन लोगों ने कराई होगी FIR। किन्होंने? जिनकी FD थी। विभाग की तरफ से और कोई कार्रवाई? आप विभाग की तरफ से देखो, मेरे को तो मालूम है नहीं FIR दर्ज हुई है नहीं, मेरे को तो सिर्फ जांच दी थी, जांच करके मैंने दी। आपके साथ में जांच में कौन कौन सहयोगी रहे? नहीं मैं ही चाहते हूँ। कोई आपके सहयोगी? आप कह रहे थे ना उनके? नहीं वो तो समीदा पर। आपके शुभ नाम को? शुभ नाम? आप प्रभुलाल गंज। आपने किस पद के अनुरूप ये जांच करी? एडिशनल डीओ। तो आज आ रही थी ना अखबार में।